हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता तिवारी और हर दम मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज कुछ खास बनाते हैं। तो मेरी दिन सुबह होती है ऐसे, मैं नहाकर चले जाती हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे भेजा हुआ था डांट कर। और इतनी सुबह से तो दुकानें भी नहीं खुली, लेकिन सब्जी वाले भैया सब्जी ज़रूर लगा लिए हैं। तो मैंने इनसे बीन्स खरीदे और ली धनिया पत्ती। उसके बाद मैं चली मंदिर वाले रास्ते होकर सब्जी मंडी। इतनी बड़ी सब्जी मंडी होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से मुझे गाजर मिला और शिमला मिर्च तो मिली ही नहीं। वैसे शिमला मिर्च का कोई काम था भी नहीं, तो मैं घर आकर फटाफट चॉप करने लगी सब्जियाँ। तो मैंने कट करी प्याज और बीन्स भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने ली लौकी, लौकी का हाफ और थोड़ा और मैंने उसको कट किया। और सारी सब्जियाँ एकदम फ्रेश थी, तो इनको कट करने मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा मज़ा। तो यार मुझे खाना बनाना और खाना खाना दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए स्वाद तो इम्पॉर्टेंट है। तो लौकी को कट करने के बाद मैंने चॉप किया आलू, आलू के बाद मैंने चॉप किया गाजर। मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जियां इसमें यूज़ कर ली थी। ऑल दो सब्जियां तो हेल्दी होती हैं और हेल्दी खाना बहुत कंपलसरी है। तो चलिए अब बनाते हैं गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। तो मैं ये तुरंत बनाती हूँ। काले मिर्च, गार्लिक और जिंजर डालकर हल्का पानी डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया। अब मैंने लिया है सरसों का तेल, कुकर इसलिए क्योंकि इसमें सब्जियाँ बहुत ईजिली पक जाएंगी। तो तेल हो गया है गर्म, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग, और हमारी लहसुन और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। तो इतनी गर्मी में बनाना बहुत टफ टास्क है, लेकिन हम फूडियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन। उसके बाद हम ऐड करेंगे सारी सब्जियाँ, बीन्स, लौकी और आलू और जितना भी कैरेट वगैरह जो भी रहता सब मैंने मिक्स कर दिया है। सबको करेंगे अच्छे से सॉटे। देन 15 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें मैंने डाला हल्दी, पिसी मिर्च और पिसी हुई धनिया। तो इन मसालों को मैं पहले डाल दी हूँ अच्छे से टेस्ट एनहेंस होने के लिए। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कर लिया सॉटे। देन हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मेक श्योर अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो टमाटर के साथ अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें मैंने डाला है हाफ स्पून गरम मसाला और एक और आधे स्पून के लगभग सांभर मसाला। उसके बाद हम सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे धुली हुई दाल। तो आप तुअर दाल और चने की दाल मिक्स करके भी बना सकते हैं, मैंने सिर्फ तुअर दाल यूज़ की है। उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी और रख देंगे पकने के लिए। तो हमारी दाल और सब्जी अच्छे से पक चुकी है, तो हम ये मथानी की हेल्प से करेंगे उसको अच्छे से मैश। तो मेरे घर में मैश और मिक्स करने के लिए मथानी यूज़ होती है। आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लगाएंगे सांभर में तड़का। तो गर्म सरसों के तेल में हमने डाली है हींग, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और सरसों। तो सरसों चटकने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो हमारा सांभर हो गया है रेडी। तो अब इसके बाद हम करेंगे धनिया से इसको गार्निश और करेंगे इडली बनाने की तैयारी। तो मैंने इसको एक बार अच्छे से फिर फेंट लिया और इसकी ट्रे में मैंने फिल किया और रख दिया स्टीम होने के लिए। तो मेरे पास 4 स्टेप वाला स्टीमर, आपके पास कितने स्टेप वाला है मेरे को बताना भूलना मत। तो सारी ट्रे मैंने कर ली है फिल, अब कर देते हैं इसको अच्छे से स्टीम। और अब करते हैं नारियल मूंगफली की चटनी की तैयारी। तो मैंने ले लिया यहाँ पे धनिया पत्ती, हरी मिर्च, 3 लहसुन, मूंगफली और फूला हुआ नारियल। तो फूली हुई मूंगफली से ज़्यादा भुनी हुई मूंगफली का टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं इसलिए भुनी हुई मूंगफली यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और कर देंगे ग्राइंड। तो हमारी चटनी हो गई है रेडी। तो अब इसको लगाते हैं तड़का। तो जीरा, सरसों, कड़ी पत्ते और लाल मिर्च से मैं इसको लगाऊंगी तड़का। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये तड़के के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो वीडियो इतनी देख डाले हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी इडली भी हो गई है रेडी। तो मैं कराती हूँ अपने भाई को टेस्ट। तो ये हमेशा मेरी बुराई करता है, लेकिन अब देखते हैं। तो यार पहली बार इसको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मैंने भी खाकर टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और एक और बात, मेरी इडली पीली इसलिए है क्योंकि मैंने चावल के साथ चने का दाल यूज़ किया था, उड़द का दाल नहीं। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।